ठीक है, तो क्या है इस्लामिक वर्ल्ड में तुर्की, ईरान और सऊदी की आपस में क्या राजनीति है, इसको भी समझेंगे। इसको बिना समझे इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं समझा जा सकता। इसी बीच जापान के विदेश मंत्री ने ईरान से बात की है। उनका कहना है कि हमास से बात करे ईरान, ये जापान कह रहा है। तो जापान भी की भी एंट्री हो गई है कल। रशिया ने भी ऑलमोस्ट वही बात कही थी, पहले उन्होंने कहा था कि ये सब इस सब के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, फिर पुतिन ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। अब जो है पुतिन ने अपना स्टैंड को थोड़ा सा बदला और ये कहा कि जो कुछ हो रहा है उसमें इसराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, यहाँ तक बात कह दी। अब जापान की भी एंट्री हो गई है। जापान ये कह रहा है कि ईरान जो है शांति की पहल करे और गाजा में खड़ा हो सकता है इससे बड़ा मानवीय संकट। ये सब ईरान करवा रहा है। कैप्टन साहब समझाइए, ईरान ये क्यों करवा रहा है और आखिरकार फिलिस्तीन के लोगों को, मासूम लोगों को जो मर रहे हैं आज गाजा में, उनको ईरान क्यों मोहरा बना रहा है? इसके पीछे क्या राजनीति है मुस्लिम वर्ल्ड की? जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। हमने जहां से कल खत्म किया था वहीं से शुरू कर रहा हूं। देखिए, ईरान की पॉलिसी रही है कि वे इस्लामिक मुल्कों के ऊपर अपना एक छत्र छाया कायम कर सके, लेकिन कभी ना कभी वो अरब वर्ल्ड से अलग थलग पड़ जाता है और कहीं ना कहीं अपनी दखलंदाजी भी दिखाता है। वो चाहे आइसिस का वॉर हो, सीरिया का हो, इराक का हो, कहीं ना कहीं उसकी दखलंदाजी ज़रूर रहती है। लेकिन मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि ईरान ने जो पिछली दफ़े वॉर हुआ था अजरबैजान का आर्मेनिया का जब वॉर हुआ था, मैं इसको बार बार दोहराता हूँ, इस वजह से कहता हूँ कि वहाँ पर हमको ईरान की नीयत एकदम समझ में आ गई थी। तो ईरान जो था आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, क्रिश्चियन स्टेट को, और जहाँ पे 97% मुस्लिम और शिया हैं अजरबैजान, उसको बचाने के लिए ये ज्यूइश सोल्जर पहुँचे थे, ये इसराइल की कमांडोज पहुँचे थे जिन्होंने अजरबैजान को बचाया था। बहुत तेज़ी के साथ आर्मेनियन फोर्सेज बढ़ रही थी आगे, जिनको चेक लगाया था जा करके इसराइली फोर्सेज ने। तब समझ में आया था कि ईरान जो है सिर्फ पॉलिटिकल गेन करने के लिए, सुप्रीमेसी के लिए कर रहा है, इसका कोई भी मजहब से मतलब नहीं है, ना कोई ईरान का जो भी कही इस्लामिक वर्ल्ड से मतलब नहीं है। दूसरी बात, ईरान ने ट्रेन किया हिजबुल्लाह को और उनको बैकअप भी दी। उससे पहले फिर रहना जाए वो भी बता दूं, 70,000 तालिबान सोल्जर भी उन्होंने खुरासान के अंदर ट्रेन करे, 70,000 तालिबान को खुरासान स्टेट में ट्रेन करे, खुद उन्होंने कहा है, खुद उनके बयान हैं, उनको वेपन दिए गए, फुल इक्विप्ड किया गया, और वो कहते नहीं कि स्ट्रेंजर इन द बेड। ये कैसे रिश्ते थे ये समझ से बाहर की बात है कि आप उधर खुरासान के, क्योंकि जितना भी तालिबान था वो अहले सुन्नत है, ट्रेन ईरान कर रहा था, शिया स्टेट है, दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर अपने शियों को जो है रेडिकलाइज कर रहा है, हिंदुस्तान के अंदर भी रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया। मैं खुल के कह रहा हूँ, दुनिया सुन रही होगी मुझको। उसके बाद हिजबुल्ला को तैयार किया लेबनान के, हमास की को पैसा दिया, हमास को हथियार दिया, और निकल के उनका फॉरेन मिनिस्टर बोलता है कि अब हमास को हम पूरी ताकत से सपोर्ट करेंगे इसराइल के खिलाफ। और हमास क्या कहता है, उसके चार्टर के अंदर है कि हम जमीन के नक्शे से ख़त्म कर देंगे इसराइल को, इसराइल नहीं रहेगा, यहूदी नहीं रहेंगे। तो मेरी एक लाइन है, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये हो सकता है कि बनी इसराइल को कुरान मजीद से हटा दें। मुसलमान सुन रहे होंगे, हमारे उलमा अकराम भी सुन रहे होंगे इस वक्त मुझको, कि बनी इसराइल का जिक्र प्रोफेट का कितनी बार आया कुरान मजीद के अंदर,